उज्जैन रोड ओवर ब्रिज पर एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में बाइक बीच से टूटकर दो अलग अलग हिस्से में बिखर गई। वहीं बाइक सवार भी गंभीर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है, जहां से घायल को इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती किया है। जानकारी के अनुसार नगर निगम के पास एक कंपनी में स्टोर इंचार्ज के पद पर कार्यरत रूपेश पिता अमृतलाल पवार उम्र 38 वर्ष निवासी बैतूल हाल मुकाम मुखर्जी नगर शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे ऑफिस से घर जा रहा था। इसी दौरान उज्जैन रोड ब्रिज पर हादसा का शिकार हो गया और वे हादसे में बाइक के दो टुकड़े हो गए और दो हिस्सों में बिखर गई। वहीं रूपेश पवार भी गंभीर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती किया गया, जहां गंभीर हालत के चलते रूपेश को इंदौर रेफर किया गया है। जहां रूपेश की हालत बेहतर बताई जा रही है, जिस तरह बाइक दो हिस्से में टूटकर अलग हुई, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी अन्य वाहन से भिड़ंत हुई है। मैं एक्चुअली इंदौर था, तो फोन आया तो वहाँ से तुरंत हम भाग के आए, तो जब तक पुलिस वहाँ से लेके अपने एनजी में पहुँच गई थी, फिर हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जगह नहीं थी, तो इंदौर रेफर। इंदौर कौन से जगह भर्ती करा? एम बाई। कहाँ रहते थे वो? वो बैतूल मुखर्जी नगर, वो सुल्लोर। हाँ सुल्लोर। आप कौन है? मैं राहुल। कहाँ रहते हैं आप? नावदा। नावदा रहते हैं। कंपनी कहाँ है ये? अपने पूरे एमपी में। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।